वेलकम टू वी लर्न। दिस इज सेशन 5 पार्ट 2 ऑफ बेसिक मैथ्स। सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनइक्वालिटीज। सो अंडर दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर टू ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। After that, we are going to discuss about system of linear inequalities in two variables, and then at last we are going to discuss the quadratic and other non-linear inequalities. So first of all, let us discuss about linear inequalities in two variables. So a linear inequality in two variables is an expression that can be put in the form ax प्लस बी वाई लेस देन सी। कोई भी जो लीनियर इनइक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, तो जब भी हम लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं तो दैट मीन्स द कंडीशन इज नॉट इक्वल। वहाँ पर जो इक्वेशन है वो इक्वल नहीं है, वहाँ पर हमने इनइक्वालिटी को यूज़ किया है, दैट मीन्स वी हैव यूज ग्रेटर देन लेस देन साइन। अब यहाँ पर हमें टू वेरिएबल्स का यूज़ करना है, तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है, एज यू कैन सी हेयर ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी। ये जो एक इनइक्वालिटी है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, हमने दो वेरिएबल्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, दैट इज एक्स और वाई। एक्स और वाई का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। नाउ हेयर ए बी एंड सी आर दी रियल नंबर्स। ए बी और सी यहाँ पर रियल नंबर्स हैं, बट द मेन थिंग हेयर इज ए एंड बी बोथ कैन नॉट बी जीरो। ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं। सो द इनइक्वालिटी सिंबल कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग फोर। यहाँ पर जो हम इनइक्वालिटी का सिंबल यूज करेंगे वो इन फोर सिंबल्स में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, दैट इज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। नाउ हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो उसको शो करने के लिए यहाँ पर कुछ इक्वेशंस हैं। लाइक यू कैन सी हेयर द फर्स्ट वन इज एक्स प्लस थ्री वाई इज लेस देन सिक्स। सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन वन। द थर्ड वन इज एक्स प्लस टू वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू वन। एंड द लास्ट वन इज टू एक्स प्लस थ्री वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू सिक्स। So these are the ways by which we can easily represent linear inequalities. Now let us discuss one example related to linear inequalities. Here we have an example like represent graphically the solution set for 2x plus 3y greater or equal to 6. यहाँ पर हमें graph के through इस equation को, इस inequality को represent करना है। So for that, first of all, the boundary for the graph is the plot of the equation 2x plus 3y equals to 6. किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए पहले हमें उसकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। सो बाउंड्रीज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है 2x plus 3y equals to 6, इससे हम उन पॉइंट्स को पहले फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर विच द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट आर 3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि 3 और 2 हमारे पास x और y इंटरसेप्ट्स हैं। सो द बाउंड्री इज इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट बिकॉज द इनइक्वालिटी सिंबल इज ग्रेटर और इक्वल टू। अब यहाँ पे जो बाउंड्री होगी उसको भी हम अपने सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर साइन यूज़ किया है ग्रेटर और इक्वल टू का। जो इनइक्वालिटी है हमारी वो ग्रेटर और इक्वल की है, इसलिए हम इसे सॉल्यूशन में इंक्लूड करेंगे। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन दैट इज 2x plus 3y is greater or equal to 6, उसके लिए हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है। हमें एक लाइन मिलेगी 2 और 3 पॉइंट्स पर, दैट इज एट x equal to 3 एंड y equal to 2। यहाँ पर उस इन पॉइंट्स के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ की। इस लाइन से जो हमारा रीजन है ग्राफ का वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन। सो हेयर द बाउंड्री स्प्लिट्स द कोऑर्डिनेट प्लेन इंटू टू सेक्शंस और रीजन्स। सो हेयर द रीजन अबव द बाउंड्री एंड द रीजन बिलो द बाउंड्री। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एज यू कैन सी हेयर
इन दिस ग्राफ, ये इस लाइन की हेल्प से हमने इस ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक रीजन है लाइन के अबव का और दूसरा रीजन है लाइन के बिलो का. सो लाइन डिवाइड्स द ग्राफ इंटू टू रीजन्स, वन इज बिलो एंड द अदर इज अबव. नाउ द सॉल्यूशन सेट फॉर 2x प्लस 3y इज ग्रेटर और इक्वल टू 6 इज वन ऑफ दीज टू रीजन्स अलॉन्ग विद द बाउंड्री. अब जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा वो इन दोनों रीजन्स में से कोई एक रीजन होगा अलॉन्ग विद द बाउंड्री. दैट मीन्स उसमें बाउंड्री भी हम इंक्लूड करेंगे. सो टू फाइंड द करेक्ट रीजन वी सिंपली चूज एनी कन्वीनियंट पॉइंट दिस इज नॉट ऑन द बाउंड्री. अब यहाँ पर उस रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक पॉइंट फाइंड करेंगे जो कि बाउंड्री पर नहीं होगा. सो वी सब्स्टिट्यूट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन द ओरिजिनल इनइक्वालिटी. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारी जो इनइक्वालिटी की इक्वेशन है उसमें, दैट इज 2x प्लस 3y इज ग्रेटर और इक्वल टू 6. नाउ इफ द पॉइंट वी चूज सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, अब जो हमने पॉइंट्स चूज किए हैं अगर वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, देन इट इज़ अ मेंबर ऑफ द सॉल्यूशन सेट. तो ये इनइक्वालिटी के जो पॉइंट्स हैं वो सॉल्यूशन सेट के मेंबर होंगे. एंड ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द बाउंड्री एज दैट ऑफ द चूजन पॉइंट्स आर ऑल्सो इन द सॉल्यूशन सेट. और किसी हमारी बाउंड्री के जो सेम साइड में सारे पॉइंट्स होंगे वो सॉल्यूशन सेट में हम रिप्रेजेंट करेंगे. सिमिलरली इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अवर पॉइंट डू नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इनइक्वालिटी देन सॉल्यूशन सेट लाइज ऑन द अदर साइड ऑफ द बाउंड्री. लेकिन जो हमने पॉइंट्स लिए हैं वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, देन जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन सेट होगा वो बाउंड्री के दूसरी साइड लाई करेगा. नाउ एज यू कैन सी इन दिस फिगर फॉर दैट पर्टिकुलर इक्वेशन दैट इज 2x प्लस 3y इज ग्रेटर और इक्वल टू 6, उस इक्वेशन के लिए हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से जनरेट होगा. दैट मीन्स हम यहाँ पर जो आउटसाइड रीजन है उसको शेड करेंगे फॉर द ग्रेटर और इन इक्वल टू इनइक्वालिटी. ग्रेटर और इक्वल टू इनइक्वालिटी के लिए हमने आउटसाइड रीजन को शेड किया यहाँ पर. नाउ हेयर इज अ प्रोसीजर टू ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज. सो दिस इज द न्यू टॉपिक, अ नेक्स्ट टॉपिक कि हम किसी भी ग्राफ में पॉइंट्स को प्लॉट करना है तो क्या प्रोसीजर हमें यूज करना है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट प्रोसीजर हेयर. सो फॉर द इन द स्टेप वन रिप्लेस द इनइक्वालिटी विद एन इक्वल साइन. जो इनइक्वालिटी साइन है उसको हम पहले इक्वल साइन से रिप्लेस करेंगे. देन द रिजल्टिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द बाउंड्री फॉर द सॉल्यूशन सेट. जो हमारी इक्वेशन जनरेट होगी हमने सिर्फ लेस और ग्रेटर साइन को रिमूव करना है और इक्वल साइन हमें वहाँ पर यूज़ करना है. अब जो हमारी इक्वेशन होगी वो हमारे सॉल्यूशन सेट के लिए बाउंड्री वैल्यूज़ को ट्रीट करेंगे, हम वहाँ से रिटर्न करेंगे, गेट करेंगे, फाइंड करनी पड़ेंगी हमें वहाँ से उस इक्वेशन से वैल्यूज़. सो इन द नेक्स्ट स्टेप रिप्रेजेंट ग्राफिकली द बाउंड्री फाउंड इन स्टेप वन यूजिंग द सॉलिड लाइन इफ़ द बाउंड्री इज इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट. अब जो हमने फाइंड किए थे पॉइंट्स स्टेप वन में अगर वो हमारे सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड होते हैं तो हम बाउंड्री को शो करेंगे सॉलिड लाइन से, बट अगर वो इंक्लूड नहीं होते हैं तो हम उस लाइन को ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन की हेल्प से. मींस वी हैव टू रिप्रेजेंट अ लाइन इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स. वहाँ पर हम ब्रोकन लाइन की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे जहाँ पर सॉल्यूशन सेट में हमारी वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगी. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज चूज एनी कन्वीनियंट पॉइंट नॉट ऑन द बाउंड्री एंड सब्स्टिट्यूट द कोऑर्डिनेट्स इनटू द ओरिजिनल इनइक्वालिटी. अब यहाँ पे हमें ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, चूज करने पड़ेंगे, सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे जो कि ओरिजिनल इनइक्वालिटी में नहीं है. सो इफ द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज ट्रू द ग्राफ लाइज इन द सेम साइड ऑफ द बाउंड्री एज द चूजन पॉइंट. अगर जो हमारी कंडीशन है जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है तो वो सेम साइड में लाई करेगी बाउंड्री के जो हमने चूज किया है. एंड इफ द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज फॉल्स द सॉल्यूशन सेट लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बाउंड्री. अगर जो हमारे सॉल्यूशन है वो रॉन्ग है, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो दूसरी साइड में हम
ग्राफ को प्लॉट करेंगे, शेड करेंगे. नाउ हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स. सो फॉर दैट वी हैव टेकन टू इक्वेशंस, दैट इज कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है लाइक 3x प्लस 2y इज लेस और इक्वल टू 6. एक इक्वेशन हमने जनरेट की, इसमें हमने दो वेरिएबल्स यूज किए x और y, एंड लेस देन और इक्वल टू साइन शोज द इनइक्वालिटी. सो वी हैव 3x प्लस 2y लेस और इक्वल टू 6. सिमिलरली द नेक्स्ट कंडीशन इज, द नेक्स्ट इनइक्वालिटी इज x प्लस 2y इज ग्रेटर और इक्वल टू 4. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द बाउंड्रीज. Here, first of all, we are going to draw the boundaries. That is, 3x plus 2y will be equal to 6. That is, x upon 2 plus y upon 3 equals to 1. यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी हमें boundaries find out करनी पड़ेंगी. तो उसके लिए हमने intercepts find किए. हमने use किया x upon 2 plus y upon 3 equals to 1. हमने दोनों side क्या किया? 6 से divide किया है. So we have got this equation. Similarly, second equation को भी हमने दोनों साइड 4 से डिवाइड किया. सो वील गेट x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1. नाउ हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वाड्रेटिक एंड अदर नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज. सो इन दिस सेक्शन वी एग्जामिन द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल. कंसीडर द इनइक्वालिटी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक लीनियर इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एक ही वेरिएबल को यहाँ पर ट्रीट करेंगे. लाइक वी हैव अ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. यहाँ पर जो हमारे पास इनइक्वालिटी की इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज x. नाउ द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज द सेट ऑफ ऑल रियल x which make the inequality a true statement. अब यहाँ पर जो solution set होगा इस inequality का, वो real values का set होगा, x का set होगा, जो कि इन conditions को satisfy करेंगे. So in general, a quadratic inequality is an inequality of the form ax square plus bx plus c is greater than 0. अगर हम quadratic inequality की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हमारी कंडीशन होगी वो ये होगी, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो ए की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए. एंड वी कैन यूज द साइन, डिफरेंट साइंस हेयर टू रिप्रेजेंट द इनइक्वालिटी. यहाँ पर जो हम साइंस यूज कर सकते हैं इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो हैं ग्रेटर देन, देन ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन और लेस देन equal to. Now here we are going to discuss the procedure to solve a quadratic inequality. So quadratic inequality को solve करने के लिए जो procedure है, we are going to discuss those steps here. So step one is write the inequality in such a way that one side of the inequality is 0. हमें पहले क्या करना है, first step में inequality को इस तरीके से हमें convert करना है, write करना है कि इनइक्वालिटी के एक साइड 0 वैल्यू आ जाए. नाउ इन द सेकंड स्टेप राइट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स. जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम एज अ प्रोडक्ट ट्रीट करेंगे लीनियर फैक्टर्स का. नाउ द थर्ड स्टेप इज रिप्लेस द इनइक्वालिटी साइन बाय द इक्वालिटी साइन एंड सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन टू ऑब्टेन क्रिटिकल नंबर्स. अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा इनइक्वालिटी साइन है उसको हम इक्वालिटी साइन से रिप्लेस करेंगे और रूट्स को हम वहां पर फाइंड आउट करेंगे किसी भी इक्वेशन में. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज प्लॉट द क्रिटिकल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन एंड नेम द डिफरेंट रीजन एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन. हम यहाँ पर पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे और फिर वहाँ पर हमारे जो रीजन्स हैं उनको हम नंबरिंग प्रोवाइड करेंगे, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सो ऑन, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रीजन्स. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टेक अ वैल्यू फ्रॉम ईच रीजन एंड चेक इफ द इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर दैट वैल्यू. अब स्टेप फाइव में हम क्या करेंगे, हर एक रीजन से एक वैल्यू हम
लेंगे और उसमें कंडीशन को चेक करेंगे कि वहाँ पर इनइक्वालिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं. सो इफ इट डज इंक्लूड द रीजन इन टू द सॉल्यूशन सेट, अदरवाइज रिजेक्ट द रीजन. अगर जो हमारा सॉल्यूशन सेट है उसमें वो रीजन इंक्लूड होता है तो उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज चेक ईच ऑफ द क्रिटिकल टू सी इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. यहाँ पर हम हर एक क्रिटिकल पॉइंट को चेक करेंगे कि वो सॉल्यूशन का पार्ट है या नहीं. एंड इन द फाइनल स्टेप, इन द सेवेंथ स्टेप, वी आर गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन सेट. अब सॉल्यूशन सेट में जो भी वैल्यूज होंगी उनको हम यहाँ पर राइट करेंगे. नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन ही इज एन एक्सरसाइज फॉर यू. यू कैन ट्राई आउट दिस क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ. सो हेयर द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर द स्टेप्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज. सो हेयर वी हैव फर्स्ट पार्ट, दैट इज 15 + 4x - 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. देन द नेक्स्ट पार्ट इज x इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन -1. सो दिस इज द एंड ऑफ टूडेज सेशन. थैंक यू.